हाय ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन। मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपने आंसर को मन ही मन बोल लीजिएगा, और जब हम एमसीक्यू करेंगे तो मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपने हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, I have received the payment but I have not deposited the check in the bank account. What is the date of receipt of payment? पैसा आ गया है लेकिन मैंने चेक खाते में जमा नहीं किया है, तो पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी? तो भैया पैसा आ गया ना, चेक आ गई ना खाते में, भले ना तुमने क्लियर कराई हो, डिपॉजिट ना की हो, जिस दिन तुमने चेक रिसीव किया वही पेमेंट की डेट है। ठीक है, तो जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लेते हैं, और लॉ भी यही कहता है कि जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की या फिर पेमेंट बैंक में क्लियर हो गई, विच एवर इज अर्लियर, तो चेक डिपॉजिट नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। द डे यू हैव रिसीव द चेक, दैट इज ओनली द डेट ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन टू, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन एडवांसेस रिसीव बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इफ द सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी किस रेट से चार्ज होगा उन एडवांसेस पे जो आपने रिसीव किया है बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन आपने सप्लाई किया था बाद में, तो अब सारा का सारा दामोदार किस पे है पता है? इनवॉइस पे। अगर इनवॉइस, देखिए दो चीजें, पैसा पहले आ गया, सप्लाई बाद में हुई, और आपको पता है चेंज ऑफ रेट के केस में दो इवेंट जिधर हो गया है वो वाला रेट लगता है, तो आप सीधे कहिए कि अगर इनवॉइस भी पहले हो गई थी तब तो पुराना रेट लगेगा, और अगर इनवॉइस बाद में हुई है चेंज ऑफ रेट के बाद में तो रेट ऑफ जीएसटी बाद वाला लगेगा। ठीक है, तो अब सारी की सारी बात इनवॉइस पे, इनवॉइस किधर हुई है अब, क्योंकि एक इवेंट पहले एक इवेंट बाद में हो गया है, तो अब इनवॉइस जिधर हुई है उधर वाला रेट लगेगा। क्वेश्चन थ्री, इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। क्या आपको यह बात जरूरी है कि डिस्टिंग्विश करना कि वो एक पर्टिकुलर सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है या दोनों है? देखिए पर्टिकुलर सप्लाई इनवॉइस गुड्स की है सर्विसेज की, ये बात बताना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई का अलग प्रोविजन है, सेक्शन 12 बताता है, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 है जो आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। तो एक पर्टिकुलर सप्लाई जो आपने की है वो गुड्स की है कि सर्विसेज की है बताना पड़ेगा, तभी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, अलग अलग प्रोविजंस है दोनों की। क्वेश्चन फोर, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर मल्टीपल इनवॉइसेस आर इश्यूड फॉर अ सिंगल कंसाइनमेंट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर मल्टीपल इनवॉइसेस दिए गए एक सिंगल कंसाइनमेंट के इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स? तो देखिए इसके आंसर को कैसे लिखा मैंने, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर व्हिच एवर इज अर्लियर। इन द इवेंट ऑफ द सप्लायर हैज नॉट रिसीव्ड द पेमेंट इन केस ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस इश्यूड फॉर सिंगल कंसाइनमेंट ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर होता है, इनवॉइस की डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं आए तो इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से अलग देख लीजिए। वाउचर के केस में क्या होगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर? आइडेंटिफिएबल सप्लाई तो एट द टाइम ऑफ इशू, आइडेंटिफिएबल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आप बाकी क्वेश्चन भी देख लेंगे इसी तरीके से, सॉल्यूशन आंसर्स तो है ही है इसके। एमसीक्यू पे आ जाते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? ए कह रहा है डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, सी डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, डी अर्लियर ऑफ ए एंड बी। बताइए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है?
इनवॉइस, ये रहा रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन मतलब पेमेंट, और इन दोनों का अर्लियर, ये होता है सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज आइडेंटिफिएबल। वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। मेरे पहले आपका आंसर आना चाहिए, आप पहले ही टिक लगा लो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स। बी कहता है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट। सी है अर्लियर ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो पेमेंट की डेट होती है जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री मारी या फिर खाते में जिस दिन पैसा आ गया, दोनों में से अर्लियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चौथा देखिए, फोर्थ देखिए, मिस्टर ए सप्लाइज गुड्स वर्थ रूपी 24,300 टू मिस्टर बी एंड इश्यूज एन इनवॉइस डेटेड 25,720। 24,300 रुपए का गुड्स दिया गया है और इनवॉइस बनाई गई है इस डेट की 24,300 रुपए की, ठीक है। मिस्टर बी ने 25,000 रुपए दे दिए 30/7/20 को, अच्छा उसने 700 रुपया ज्यादा दे दिया है। अगेंस्ट सच सप्लाई ऑफ गुड्स द एक्सेस ऑफ 700 बीइंग लेस देन 1000 इज एडजस्टेड इन द नेक्स्ट इनवॉइस। ये 1000 रुपए तक का एडवांस है जो कि अगले इनवॉइस में एडजस्ट होगा, जिसकी गुड्स फॉर द सप्लाई, जिसकी इनवॉइस इशू हो रही है 5/8/20 को। आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा बहुत एडवांस आ जाता है ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत एडवांस के रिस्पेक्ट में जिस दिन पेमेंट हो, इनवॉइस रेज होगा उसी में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो 24,300 रुपए के लिए इनवॉइस की डेट क्या है 25/7, पेमेंट की डेट है 30/7, तो 25/7 हो जाएगा 24,300 के लिए, 24,300 के लिए हो जाएगा 25/7, ठीक है। और जो 700 रुपए आपको आ रहा है 30/7 को, उसकी इनवॉइस हो रही है 5/8, तो इनवॉइस और पेमेंट के हिसाब से चलोगे तो पेमेंट 30/7 का है। देखिए, अगर इनवॉइस और पेमेंट के हिसाब से चलोगे तो इनवॉइस 5/8 का है, 700 के लिए बात कर रहे हैं, इनवॉइस 5/8 का है और पेमेंट 30/7 का है, तो पहले हो गया 30/7। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 रुपए तक का एडवांस होता है तो आप जब इनवॉइस रेस करेंगे तभी उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस 700 रुपए के लिए 5/8/20 और ये 25/7/20, ये दो डेट हो जाएंगी। ये आंसर सही है। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो 30/7 को अगर पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जा सकती है, लेकिन आंसर यही दीजिएगा एग्जाम में। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो अगर 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस रेस हो जाता है तब तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है, ये इनवॉइस की डेट, ये पेमेंट की डेट, तो ए और बी में से अर्लियर डी। सिक्स्थ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्सेबल इनवॉइस। मान लीजिए आपको 1000 रुपया तक का एडवांस मिल जाता है तो क्या होगा ऐसे में, तो जब अगली इनवॉइस आप रेस करेंगे तो वो ले लीजिएगा आप, और नहीं तो अगर आपको पेमेंट जिस दिन आया है 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा एडवांस, आप उसको भी चाहें तो टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं, तो आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। सेवेंथ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैं बताता हूं क्या होता है। पेमेंट की डेट और इनवॉइस प्लस 61 डेज, ये पेमेंट लिखा हुआ है, ये इनवॉइस प्लस 61 लिखा हुआ है, दोनों में से जो जल्दी होता है ये। एट, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज रिसीव सर्विस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में, तो जिस दिन हम सर्विस रिसीव कर लिए ये एंट्री मारते हैं या फिर पेमेंट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर।
अर्लियर ऑफ ए बी। नाइंथ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल। अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल। अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो क्या होगा, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर होता है। टेंथ, वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज 1 लाख, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 5 अगस्त है। अच्छा, 1 लाख रुपए की वैल्यू रेंडर, सर्विस रेंडर की गई है, इनवॉइस 5 अगस्त को रेज हुई है, एडवांस 25,000 रुपया आया था 20 जुलाई को। अच्छा, बैलेंस अमाउंट 7 अगस्त को आया है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 1 लाख रुपी। तो इसको लिखा जाए, इनवॉइस हो रहा है 5/8/20 को, ठीक है, 1 लाख रुपया। फिर 20 जुलाई को, 20/7/20 को पेमेंट आई है, कितने रुपए की आई है, 25,000 रुपया। और 7/8/20 को, 7 अगस्त 2020 को बैलेंस 75,000 रुपए की पेमेंट आई है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है हर पेमेंट को इनवाइस से कंपेयर करना पड़ता है अलग अलग, इस पेमेंट को इस इनवाइस से कंपेयर करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 20/7/20/7 का 25,000 रुपया। और फिर 5/8 को 7/8 से कंपेयर करेंगे तो 5/8 बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई 75,000 के लिए। तो 25,000 के लिए 20/7 और 75,000 के लिए 5/8, ये आंसर सही है। ठीक है ना, जब इन दोनों को कंपेयर किए तो ये वाली डेट आई, ठीक है, और फिर जब इसको इसको कंपेयर किए तो ये वाली डेट आ गई टीओएस में। इलेवन देखिए, देयर वाज इंक्रीज इन टैक्स रेट फ्रॉम 20% to 24% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/20। 20% से 24% रेट हो गया था 1/6/2020 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज एप्लीकेबल व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन जून 20 बट इनवॉइस इश्यूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बोथ इन अप्रैल 20। इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले ही आ गया था अप्रैल में, ठीक है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड बाद में की गई है, दो चीज पहले ही हो गया था, इनवॉइस पेमेंट पहले हो गया था, सर्विस बाद में दी गई है, तो फिर भाई पहले वाला रेट लगेगा, ठीक है, 20% वाला रेट लगेगा, राइट। तो पहले आंसर दे रहा है 20% एज इट इज लोअर ऑफ द टू, 20% तो लगेगा लेकिन वो कम है इसलिए नहीं, दो चीज पहले हो गई है इसलिए लगेगा। तो आंसर ये है सही, 20% लगेगा क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट पहले ही हो चुका था। ठीक है, अब देखो 12th क्वेश्चन क्या है, देयर वाज इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 20% to 24%, रेट 1/6/20 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज एप्लीकेबल व्हेन सर्विस प्रोवाइड इनवॉइस इज आफ्टर द चेंज इन रेट। सर्विस प्रोवाइड और इनवॉइस सब बाद में हुआ है, पेमेंट पहले ही हो गया था, तो भैया दो चीज बाद में हुआ है ना, सर्विस प्रोवाइड और इनवॉइस, तो बाद वाला रेट लगेगा यानी 24% लगेगा। तो 24% में एक आंसर दे रहा है बी की 24% लगेगा क्योंकि ये ज्यादा है, तो ज्यादा से मतलब नहीं है, 24% इसलिए लगेगा क्योंकि इनवॉइस पहले इशू हो गई थी, ठीक है, और सप्लाई भी पहले ही हो गई थी, ये वजह है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमने खत्म किया है और यहीं पे हम लोग अपनी क्लास को भी खत्म करेंगे।